नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। और अब बात कर लेते हैं मोदी के महामिशन की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ और यूपी का दौरा किया था, आज बारी थी तेलंगाना और राजस्थान की। दोनों ही राज्य में सियासी हलचल बहुत तेज है, क्योंकि इसी साल के आखिर में दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को विधानसभा चुनाव की चुनौती पार करनी होगी। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां विकास की योजनाओं के साथ साथ विरोधियों पर सियासी हमला बोला, तो अब बारी राजस्थान की है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर से बड़ा सियासी संदेश देने वाले हैं। खास बात यह, इस रैली में 6 जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, यानी बीजेपी बीकानेर की सियासी जमीन से आसपास के जिलों को भी साधना चाहती है। और वजह इसके पीछे क्या है, इसे भी आप समझिए। इन 6 जिलों में विधानसभा की लगभग 30 सीटें आती हैं, वो राजस्थान का सियासी खेल बदलने के लिए बहुत ही अहम है, और इसीलिए ये पूरी तैयारी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज बीकानेर से राजस्थान की जनता को विकास की सौगात देंगे, लेकिन उससे भी अहम उनका भाषण होने वाला है, जो विपक्षी दलों को चुभने वाला हो सकता है। इस चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये पहला दौरा कर रहे हैं। लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर भी पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर 22 नेताओं ने बाकायदा उनका स्वागत किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। राजस्थान की सियासत में दरअसल जातीय वोट बैंक को भी नकारा नहीं जा सकता, और आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बीकानेर को सियासी उद्घोष के लिए चुना, वहां कई हिस्सों में दलित वोटर का दबदबा है, यानी बीजेपी जातीय समीकरण को भी साधना चाहती है, उस मोर्चे पर भी लीड लेने में लगी हुई है। राजनीतिक लिहाज से बीकानेर बहुत ही अहम इलाका हो जाता है राजस्थान का। पीएम मोदी के करीबी अर्जुन राम मेघवाल का संसदीय क्षेत्र भी है। इसके अलावा जाट वोटर की गोलबंदी भी काफी तेजी के साथ यहां पर हो रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि राजस्थान के दलित और जाट आखिर किसके साथ होंगे। सवाल तो यह भी है कि महामिशन पर निकल चुके मोदी क्या 23 और 24 में आसानी से कमल खिला पाएंगे, या विरोधियों की रणनीति भारी पड़ेगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर हुंकार होगी। और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल अभय जी आपसे है मेरा, आप देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से फ्रंट फुट पर वहां नजर आ रही है, प्रचार से लेकर तमाम चीजों में, और आप लोगों पर आरोप यह लग रहा है कि आप घर का झगड़ा ही नहीं सुलझा पा रहे राजस्थान में, यह लड़ाई कितनी कठिन हो सकती है फिर आपके लिए? देखिए अखिलेश जी, समूचा राजस्थान और देश जानता है कि टुकड़ों में बट बट के टूट गई भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में, वो हमको पाठ पढ़ा रही है। वहां गुटों के नाम पर वसुंधरा जी का गुट, शेखावत जी का गुट, मेघवाल जी का गुट, पुनिया जी का गुट, राठौर जी का गुट, और एक भी किसी से नहीं बनती, पूरे राजस्थान को ये पता है। तो ये पाठ हमको मत पढ़ाइए। वहाँ पर चलेगा क्या? वहाँ पर अशोक गहलोत जी की जो 25 लाख रुपए तक का इलाज समूचे राजस्थान का मुफ्त होने वाला है राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उस पर लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिस प्रकार हमने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, राजस्थान की जनता हमको उसका अच्छा प्रतिसाद देने वाली है। तो एक तरफ गारंटी और एक तरफ संसाधनों की लूट है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के और गारंटी के बारे में बोल जरूर रहे हैं, मगर जो उनको परिणाम भोगने पड़े कर्नाटका के, उस कर्नाटका की टीस है जो वो व्यक्त कर रहे हैं, नहीं तो सारे भ्रष्टाचारी तो खुद में मुझे लगता है इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से पहले ले लेना चाहिए भाई जी, कि कर्नाटका की जो टीस है क्या उसकी अभिव्यक्ति हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में? देखिए, जिस तरह से राजस्थान सबसे बेरोजगारी दर में ऊपर है, सबसे अधिक महंगाई है, सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोगों पर बलात्कार है, जिस तरह का कुशासन, और सचिन पायलट स्वयं निकले पड़े हैं किस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से पेपर लीक वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह का कुशासन राजस्थान में है कि बेटियों पर बलात्कार और बलात्कार करने की शिकायत लेके थाने पहुँचे, थानेदार उस पर फिर से बलात्कार कर दे, ऐसे कुशासन के विरुद्ध राजस्थान निश्चित तौर पर जनादेश देने के लिए तैयार पड़ा हुआ है। जिस ये योजना की बात कर रहे हैं कि 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना, सिर्फ आज तक 9 लाभार्थी उसके हैं,
किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, योजनाएं कागज पर है इनकी, जमीन पर योजनाएं नहीं है, सिर्फ 9 लाभार्थी आज तक है इनके। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी कुशासन की क्या स्थिति है। ये जो है किसानों का जो है कर्ज माफी कर रहे थे, ऐसे हजारों किसान है जिनकी जमीन जब्त कर ली गई है, ये इनकी तो दशा है। ये पहले ही जो है बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, क्या हो गया जी बेरोजगारी भत्ते का? आप तो कह रहे थे कि सारे संविदा कर्मियों को जो है हम परमानेंट कर देंगे, हम तो गुजरात के कार्य आप कांग्रेस कार्यालय तक जो है संविदा कर्मी घेराव करने चले आए, आप उनको जो है स्थायित्व तो नहीं दे पाए। ठीक है, तो जिस तरह का कुशासन श्रीमान अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुआ है, ठीक है, आप कुशासन के आरोप लगा रहे हैं अभय जी, आप उस पर जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन पहले दोनों जो और मेहमान हैं उन्हें भी चर्चा में मैं सम्मिलित कर लेना चाहता हूं। प्रदीप जी, देखिए सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से सचिन पायलट खुद ही अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस कैसे लोगों को समझाएगी कि भ्रष्टाचार नहीं है जब अपने लोग ही कह रहे हैं? नहीं देखिए, सचिन पायलट एक बड़ी समस्या तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए है, लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी का जो घर है राजस्थान में, वो भी उसमें भी एकता की कोई मूर्ति नहीं दिखाई दे। अलग अलग गुट हैं, अलग अलग गुटों के अपने अपने दावे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उनकी भूमिका क्या होगी, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। तो बीजेपी में भी अंदरूनी खींचतान बहुत ज्यादा है, लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ पब्लिक में जाकर लगातार अभियान चला रहे हैं और भ्रष्टाचार के सवाल पर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और उसके अलावा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मामले को सुलझाया है कांग्रेस पार्टी ने, अगर उस तरह से राजस्थान में सुलझा नहीं पाती है तो इसका नुकसान चुनाव में होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आशुतोष जी, आपका क्या आकलन है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? क्योंकि राजस्थान को लेकर बार बार ये बात कही जाती है ना कि सरकार वहां बदल जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने ये सवाल तो है कि चेहरा कौन? देखिए, राजस्थान के चुनाव का नतीजा तय करेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया और उनके साथ अगर पॉलिटिक्स की गई तो फिर वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी नेमेसिस साबित होने वाली है। सचिन पायलट की तो बात छोड़ दीजिए आप, और यह बात सबको मालूम है कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हाशिए पर डाल दिया जाए, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक का अनुभव है, जहां येदियुरप्पा को जब आपने हाशिए पर डालने की कोशिश की और उनके लोगों को आपने किनारे करने की कोशिश की, तो उसके क्या नतीजे निकले हैं? तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक कद्दावर नेता है राजस्थान की, उनका वहां जनाधार है और उनके तमाम आलोचक भी हैं, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, लेकिन वो आज की तारीख में राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है और देश में तमाम बड़े नेताओं में उनका शुमार होता है। तो उनको अगर आप इग्नोर करके चलेंगी, पार्टी अगर चाहेगी कि उनको साइडलाइन करके किसी और को अगर चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा तो वो होने वाला नहीं है। सवाल ये है, आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो नारा क्या लगा था? बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, और उसके बाद का नतीजा सबके सामने स्पष्ट है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चेहरे के तौर पर पेश करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुसीबत। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन यहां से एक सवाल यह भी खड़ा होता है प्रेम शुक्ला जी, जो कि बार बार आप लोग कांग्रेस से यह सवाल कई राज्यों में पूछते रहे हैं, चेहरा कौन? विपक्ष से भी आप लोग पूछते हैं अक्सर कि चेहरा कौन, तो राजस्थान में आपके पास अशोक गहलोत के सामने कौन है चेहरा? लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत इनके चेहरे रहेंगे ये कौन कह रहा है? अभी तो कल ही मैं समाचार पढ़ा था कि कांग्रेस में समझौता जो है अंदरूनी इस बात पर हुआ है कि कोई चेहरा नहीं होगा। कल ही समाचार पढ़ रहे थे, तमाम समाचार पत्रों ने प्रकाशित किए थे। भारतीय जनता पार्टी जिसको तय कर लेती है उसको सारे लोग स्वीकारते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय वसुंधरा राजे हमारी वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं,
और वसुंधरा राजे की तरह ही हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत चेहरे हैं, हमारे पुनिया जी चेहरे हैं, हमारे सीपी जोशी जी चेहरे हैं, हमारे मेघवाल जी चेहरे हैं, हमारे पास बुके ऑफ फेसेस हैं, हमारे पास एक गुलदस्ता है। और आप ध्यान रखिए कि पिछली बार जो है जो राजस्थान में चुनाव परिणाम आए असेंबली में, सिर्फ 1,70,000 वोटों के अंतर से टोटल जो हम कुल वोट मिले हैं कांग्रेस को और जो कुल वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, 0.5% का अंतर था और उसमें 22 सीटों का डिफरेंस हुआ। और जब लोकसभा चुनाव हुए तो हम 59% वोट हमको मिला है, 21% वोट जो है वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जैसे ही आगे आता है वैसे ही वोट बढ़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई को राजस्थान की मतलब जनता निश्चित आप प्रेम शुक्ला जी ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आएंगे, क्या ये मैं मानूं आपकी बात का मतलब ये निकालूं? अशोक गहलोत जिस तरह की गालियां सचिन पायलट को देते हैं, अगर सचिन पायलट में जरा सा भी सम्मान बचा होगा तो सचिन पायलट उनके साथ चुनाव तक रहेंगे क्या आपको लगता है? जिस तरह से अपमानित आए दिन बेचारे सचिन पायलट को, फिलहाल तो आज की स्थिति में है ही ना, ऐसे शब्दों का आज की तारीख में तो साथ है ही। लेकिन अभय दुबे जी आप सुन रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी आपके पार्टी के अंदर की भी जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत भी आपके चेहरे होंगे कि नहीं अभी नहीं पता है। ठीक है अभय जी से मेरा सवाल है। अखिलेश जी देखिए, इन्होंने गुलदस्ते का जिक्र किया, सारे कागज के फूलों का गुलदस्ता है। वो पुरानी कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, पर खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे साहब, जितने उपचुनाव, 6 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, धरियावाद हो, वल्लभ नगर हो, अभी सरदार शहर का उपचुनाव 21,000 वोट से दिसंबर 2022 में हम लोग जीते हैं। और जो सचिन पायलट जी मुद्दा उठा रहे हैं वो किसका उठा रहे हैं, उससे सहमत हैं प्रेम शुक्ला जी? वो उठा रहे हैं वसुंधरा राजे जी के भ्रष्टाचार का, अशोक गहलोत जी के भ्रष्टाचार का नहीं, माफ कीजिएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये मोहर लगा दी कि हाँ, वसुंधरा जी भ्रष्ट नेता, उनका शासनकाल जो है वो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। अब बात रही प्रधानमंत्री जी की, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चेहरा होंगे, अरे साहब एक तो कर्नाटका ने बता दिया कि उनका दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चलेगा, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर ने लेख लिखा कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा मत कीजिएगा। तो ये त्राहिवाम कर रहे हैं अंदर से, ना तो इनके पास भरोसा मत कीजिएगा नहीं था, उसमें ये था कि सिर्फ उन पर भरोसा मत करिए उनका। हाँ, आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसको। अरे एक ही इतना बड़ी बात, इतने बड़ी बात लिख देना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र का, वो तो इशारा भी काफी है। उन्होंने तो बहुत खुलकर रखा और ये अंतरात्मा जानती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी दो विषयों पर बात कर रहे हैं, एक गारंटी पर, एक भ्रष्टाचार पर। गारंटी, तकलीफ ये है कि जो कांग्रेस शासित राज्य गारंटियां प्रदान कर रहे हैं अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को, सस्ते गैस के सिलेंडर की हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की हो, हेल्थ की स्कीम की हो, प्रधानमंत्री जी ने तो गारंटी अपने दो धन्नाथ सेठ दोस्तों को दी थी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को दी थी। तो देश देख रहे हैं, एक तरफ मेवा है और एक तरफ सेवा है जो अंतिम पंक्ति अच्छा, में खड़े हुए लोग हैं। हाँ, तो अभय जी, ये दोनों मुद्दे प्रमुखता से अब राजस्थान की जनता। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है अभय जी, मैं कोशिश करता हूँ उसको हम ठीक करवा लें। तब तक मैं प्रदीप जी आपका रुख करना चाहूंगा इस सवाल के साथ। हर बार जैसा हम देखते रहे पिछले कई चुनावों का जो अनुभव रहा है कि राजस्थान में सरकार बदल जाती है, आपको लग रहा है कि इस बार इसकी बहुत ज्यादा संभावना है या कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप, या कुछ नहीं कहा जा सकता अभी? नहीं देखिए, आज जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी को एडवांटेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मामला असली है वसुंधरा राजे सिंधिया का। बीजेपी के पास वसुंधरा राजे सिंधिया से बड़ा जनाधार वाला कोई नेता है? उनका कोई विकल्प है नहीं। उनका पार्टी किस तरह से इस्तेमाल करती है, उनको किस तरह से संतुष्ट करती है, किस तरह से साथ लेकर चलती है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस होगी उस पर। तो बीजेपी के लिए चुनौती अशोक गहलोत नहीं है, मेरा मानना है बीजेपी के लिए चुनौती उसकी जो इंटरनल फाइट है वो है। अगर पार्टी उससे उभर जाती है, उससे निकल कर आती है, तो उसके लिए प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे है। अगर उससे नहीं निकल पाती है तो वो जो हिमाचल में नारा चला था कि राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा, कुछ उसी तरह का नारा जो है वो राजस्थान में भी लग सकता है। तो इसलिए जो है, हाँ, मुद्दा मूल रूप
मूल रूप से दोनों पार्टियों में यह है कि अंदरूनी झगड़ों का क्या होगा। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है प्रदीप जी जो कह रहे हैं उसका आपको जवाब देना चाहिए। आपको भले लग रहा हो कि चुनौती विपक्षी पार्टी से, आपके सामने जो अशोक गहलोत हैं या जो, लेकिन आपके अंदर भी गुटबाजी चरम पर है आपकी पार्टी में भी राजस्थान में इस बार, और उसका नुकसान हो सकता है आपको। नहीं, ये गुटबाजी मीडिया में देख रहे हैं, पार्टी में नहीं है। मीडिया को निश्चित तौर पर इस तरह से कयास लगाने की स्वतंत्रता है और उनकी स्वतंत्रता का आदर करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात जो अभय दुबे जी कह के जा रहे थे, अरे भाई जो पेपर लीक हैं वो वसुंधरा जी के ज़माने में नहीं हुए, वो पेपर लीक के सारे रिश्वतखोरी के कांड अशोक गहलोत के कार्यकाल के हैं, जिन पेपर लीक को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह जो है श्रीमान सचिन पायलट खड़ा कर रहे हैं, वो अशोक गहलोत सरकार के कुशासन के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। अगर पेपर लीक के कुशासन को, बलात्कार की घटनाओं के कुशासन को, बलात्कारियों को बचाने के कुशासन को अगर बारंबार सचिन पायलट पेश कर रहे हैं और अशोक गहलोत उनके लिए गालियां दे रहे हैं, तो ये तो सामने सामने दिखाई दे रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति किसी भी के विरुद्ध एक भी बयान दे रहा हो, ऐसी एक आप मुझे उदाहरण दे दीजिए सचिन पायलट का, एक दीजिए अभय दुबे जी, मैं 10-5 घंटे कोई उदाहरण है क्या भी भेज दे रहा हूं मैं कि बीजेपी में ये नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो, जैसा कि आपकी पार्टी में हो रहा है राजस्थान में। अरे ये, अरे अखिलेश जी, सुर्खियां बड़ी भरी पड़ी है अखबार की। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में गुटबाजी, दैनिक भास्कर की खबर है। बिना भाषण निकल गए वसुंधरा, कटियार बोले मैडम ही जाने क्या बात हुई। अभी विधायक को, वसुंधरा गुट के विधायक, माइक छीन लिया साहब मंच पर से। इतनी चरम पर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, राजस्थान के चप्पे चप्पे को पता है कि पहले जब सत्ता में थे तो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। प्रतिपक्ष में है, हम तो चाहते थे कि प्रतिपक्ष मजबूत हो ताकि स्वस्थ लोकतंत्र राजस्थान में रहे, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत जी की सरकार ने पारदर्शिता रखी। मगर ये बड़ा दुखद पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और विश्वास मानिए दोनों एक अच्छे तालमेल के साथ लड़ रहे हैं, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, और जो स्कीम है समूचे, ये कह रहे हैं 9 लोगों को, अरे जाकर पूछिए राजस्थान में, चप्पे चप्पे पर लोग अशोक गहलोत जी की योजना की प्रशंसा कर रहे हैं। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त, ये ऐसे ही किसानों के लिए कहते थे, हम जब 25 लाख रुपए तक का मुफ्त ऐलान, तो ये कह रहे हैं कि 9 ही लोगों को लाभ मिला, ऐसा कहते थे, कर्ज माफी नहीं हुई। लेकिन विधानसभा के पटल पर बताया कि 2018 में ही 20,77,000 किसानों, ठीक है, लेकिन देखिए सवाल यह है ना अभय जी, 32,784, ठीक है, लेकिन सवाल यह है, मैं चाहूंगा कि आशुतोष इसका जवाब दें। योजनाओं की तमाम बातें अभय जी कह रहे हैं, आजकल हम लोग प्रचार भी तमाम देख रहे हैं, टीवी चैनलों से लेकर अखबारों में राजस्थान सरकार की तरफ से जानकारियां दी जा रही कि हमने ये किया, ये करने वाले हैं, लेकिन जब अंदर खाने ही कोई बड़ा नेता अपनी सरकार में बैठे मुखिया पर निशाने साधेगा, कहेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका क्या संदेश जाएगा जनता में? हाँ, लेकिन उसका एक संदेश तो यह भी जाता है ना कि सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो अगर यह संदेश जाएगा कि अशोक गहलोत जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, तो दूसरा संदेश ये भी जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के अंतर्गत भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, जो कुछ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुआ, उसे मेरा साफ तौर पर मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे दोनों नेताओं के बीच का जो झगड़ा है, उसको बहुत पहले उसको सुलटा लेना चाहिए था। जिस तरीके से ये झगड़ा बढ़ता गया, उससे मुझे ये आशंका जरूर पैदा हुई थी कहीं कांग्रेस पार्टी पंजाब 2 न कर दे राजस्थान के अंदर। लेकिन अब दिल्ली में बुलाकर अगर दोनों नेताओं को समझाने की कोशिश की गई हो, अगर ये मान लिया जाए कि दोनों नेता समझ गए हैं, तो फिर भाजपा को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वहां पे इतने गुट पैदा हो गए हैं, देखिए गुट की बात पे छोड़ दीजिए आप, बाकी के जिन नेताओं का जिक्र किया जाता है उनमें से कितने खुद अपने स्तर पर विधानसभा का चुनाव जीत पाते, ये भी अपने आप एक डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक बहुत ही पावरफुल और कद्दावर नेता है, और इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को जो बाईपोल इलेक्शन हुए थे पिछले दिसंबर के महीने में 2022 में, अगर आप उसके नतीजे ही देख ले तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा। राजसमंद के उपचुनाव में बीजेपी जरूर जीती, लेकिन 2 विधानसभा सीटें वो हार गई, और जैसे धरियाबाद की सीट थी या सरदार शहर की सीट थी, तो बीजेपी क्यों हारी वहां पे?
बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वहां चुपचाप बैठी हुई थी, तो इसलिए बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे मनाए। अगर उनको ये गुमान है कि वहां शेखावत जी चुनाव जिता पाएंगे, तो एक बार शेखावत जी को चेहरा बना के भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़के देख ले और वसुंधरा राजे सिंधिया को। आशुतोष जो कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, प्रेम शुक्ला जी, बड़ा नेता नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को इग्नोर करके नुकसान तो कहीं नहीं आप लोग को हो जाएगा? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, अभय दुबे जी ने तमाम अखबारों की हेडलाइन पढ़ के आपको सुना दी, ऐसा तो नहीं कि राजस्थान के अखबार आप नहीं पढ़ रहे आजकल? देखिए ये नकारा निकम्मा अशोक गहलोत कह रहे हैं वो वर्थलेस आदमी है, किसी काम का नहीं सचिन पायलट के लिए, इस तरह का एक स्टेटमेंट दिखा दें। ये तो दैनिक भास्कर जो इनके पेड न्यूज पे चल रहा है आजकल, दैनिक भास्कर जो है वो अशोक गहलोत का पेड न्यूज चलाता है, कोई जानकारी करने की बजाय हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं राजस्थान में इन दिनों जो है। प्रेम शुक्ला जी, मैं कहूंगा टिप्पणी ना, उन्होंने कोट किया उसको, इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कोट किया दैनिक भास्कर। ठीक है, बोलिए अपनी बात। दैनिक भास्कर जो है बिके हुए अखबार का और भारतीय जनता पार्टी, आपकी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है, मैं हम लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं कुछ भी कहें, लेकिन मेरा मुझे लगता है मुद्दे पे बात करें तो बेहतर है। ठीक, मत रखिए इत्तेफाक, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखूं जरूरी नहीं है। अब आप तो मुझे इत्तेफाक रखवाना चाह रहे हैं, मैं आशुतोष जी की बात से इत्तेफाक रखूं। भाई भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि आदरणीय वसुंधरा राजे जी हमारी वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान और उनके साथ एक हमारे पास नेताओं का एक जो है गुलदस्ता है और सब मिलकर एक दूसरे से समन्वय बनाकर कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान को मुक्त दिलाने का संकल्प लिए पड़े हैं और उसका परिणाम आपको दिखाई देगा, इसमें हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भ्रष्ट अशोक गहलोत हैं उनको चिंता करने की नहीं, अगर वसुंधरा राजे, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, जो अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर लगातार बलात्कार करवाते हैं उनको चिंता की नहीं, एक मिनट आशुतोष जो कह रहे थे उसमें जो जिस उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र का जिक्र भी किया, ये मुझे बताइए अगर वसुंधरा राजे नाराज हैं, अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगी चुनाव में, तो क्या आपको लगता है कि उसका आपको नुकसान नहीं होगा? मैं अगर मगर का जवाब क्यों दूं भाई, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिए पड़ी है, आशुतोष जी के पूछ के थोड़े राजनीति कर रही है वो, आशुतोष जी की सलाह पर जिस दिन वो राजनीति करेंगी उस दिन नाराज हो जाएंगी। आशुतोष जी जवाब देना चाहिएगा, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। ये प्रेम शुक्ला जी की बड़ी अच्छी आदत है कि वो हमेशा आशुतोष जी के सम्मान में वृद्धि करते रहते हैं अपने डिबेट। मैंने तो ना तो प्रेम शुक्ला का नाम लिया, ना मैं समझता हूं कि मुझे प्रेम शुक्ला जी के नाम का जिक्र करना चाहिए। देखिए अभी गुटबाजी की बात हो रही है, इतने सारे अखबार हैं जो गुटबाजी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, स्टेट्समैन भी है। अरे भाई इनको चुप कराइए, इनकी आदत है बोलने की। तो ये सारे अखबार पेड हैं, ये सारे अखबार पेड हैं, मतलब जितने अखबार में मुझे आपका नाम लेकर पूछा गया इसलिए उत्तर दिया, मुझे आपका नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, अपनी अपनी बात रखिए। हाँ ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको आप जब तक आशुतोष का नाम नहीं जपेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट नहीं भरता है, तो इसलिए आप चिंता मत करिए। नहीं, मैं आशुतोष ऑर्डर दानी का जपता हूं, आशुतोष गुप्ता का नहीं जपता। और आप अपना भाषण चुप रखिए अपने, आशुतोष ऑर्डर दानी का जपता हूं मैं, मुझे भी आपके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे भी आप जैसे जातिवादी का सर्टिफिकेट देने के लिए यहां नहीं बैठा, मुझे भी आप जैसे जातिवादी का और फ्रस्ट्रेटेड पत्रकार का थोड़ा चाहिए भाषण पत्र। आप जैसे हम लोग व्यक्तिगत चर्चा में सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। एक मिनट आशुतोष जी, प्रेम शुक्ला जी, हम एक मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, हम प्रेम शुक्ला जी और आशुतोष जी पे बहस नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आशुतोष जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ अरे उन्होंने, आपने आशुतोष जी का नाम लेके पूछा, मैंने आशुतोष जी का नाम ले लिया, नाम लेने पे इतना चिढ़ गए वो, मैं भी आपका भाषण सुनने नहीं बैठा हूँ, भाषण बंद रखे और आप भाषण देने लायक नहीं है। अरे आपस में मत लड़िए भाई, आप दोनों मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, सम्माननीय मेहमान हैं। चलिए इस चीज को छोड़िए, अब चर्चा मुद्दे पे करते हैं। चलिए ठीक है अभय दुबे जी सवाल मेरा आपसे है, ठीक है आप अपने सरकार के कार्य का बखान कर रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं, लोगों के बीच आप जाएंगे इन मुद्दों के साथ, लेकिन बार बार एक सवाल जो आप लोगों से पूछा जा रहा है घूम फिर के, बात वही आती है कि अंदर खाने अगर झगड़ा है तो जनता में क्या मैसेज दीजिएगा, जब आप खुद ही एक साथ नहीं है और आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता कह देंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही आपकी सरकार, तो जनता क्या सोचेगी फिर? अखिलेश जी, अगर जनता विचार इस विषय पर कर रही होती या हमारी योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है उस विषय पर कर रही है, तभी तो सरदार शहर की सीट 21,000 वोटों से जीते हैं हम, 21,000 से अधिक वोटों से।
बुरी तरह परास्त हुई भारतीय जनता पार्टी। अभी दिसंबर 22 का चुनाव था भाई, भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भ्रष्ट और उनके साथ संरक्षण देने वाले एक नंबर के निकृष्ट और भ्रष्ट लोग ही है। ये क्या बात करेंगे अशोक गहलोत जी की ईमानदारी की, क्या बात करते हैं। इनके यहाँ संतोष पाटिल इनका कार्यकर्ता कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख लिख कर आत्महत्या कर ली उसने कि ईश्वरप्पा मेरे से 40% कमीशन मांग रहा है। वो प्रधानमंत्री जी जो ईमानदारी की दुहाई देते फिरते हैं, उन्होंने ईश्वरप्पा को फोन लगाया और कहा चुनाव जिता देना। संतोष पाटिल के परिवार से बात नहीं की, नाराज है इनका भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता। ये प्रेम शुक्ला जी कितनी आरती उतारे लेकिन ये अंदर से जानते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। ये जिस प्रदेश से आते हैं वहां की स्थिति देख लो, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या हाल है, इन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, उसके बावजूद क्या हुआ, MLC के 5 में से 4 चुनाव हारे। और कहां हारे, नागपुर में हारे, अमरावती में हारे, फडणवीस के घर में गढ़ में हार गए, कस्बा पेट का चुनाव 25 साल बाद ही हारे, कोल्हापुर का उपचुनाव हारे, छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए उपचुनाव। जहां जहां राज्यों में चुनाव हैं होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में 25,000 वोटों से उपचुनाव हारे। अब कल्पना कीजिए आप कि क्या परिस्थितियां इनकी। तो ये कर्नाटका की हार की निराशा है जो ये सारे टेलीविजन चैनल पर गालियां देते रहते हैं। वो नहीं, सुनिए, कर्नाटका की हार की निराशा, चलिए ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी मैंने जो सवाल अभय जी से पूछा था, वो हालांकि ऐसा होता है हर नेता जो सहूलियत के मुताबिक सवाल हो तो उसको स्किप कर जाते हैं। सचिन पायलट अगर अपनी ही सरकार को लेकर कहेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं हुई, धरने पर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करने लगेंगे, तो चाहे आप जितना घेरिए बीजेपी को, लेकिन जनता फिर क्या सोचेगी, जनता क्या इस मसले पर संदेश जनता में क्या जाएगा। देखिए अखिलेश जी, सचिन पायलट अशोक गहलोत के झगड़े का ये असर तो होगा ही, लेकिन उससे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि विधायकों को अपने साथ रखने के चक्कर में अशोक गहलोत ने उन्हें पूरी खुली छूट दे दी। जितनी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ है। आप राजस्थान घूमकर आइए, आपको पता चल जाएगा। तो कांग्रेस की स्थिति इसलिए नहीं खराब है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा हो रहा, वो एक फैक्टर है निश्चित रूप से, उसका चुनाव पर असर पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पड़े। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था जिसने 5 साल संगठन चलाया, जिताकर चुनाव लाया, उसको निकाल के बाहर कर दिया, उसका कोई असर ही नहीं होगा, ये कौन मानेगा। दूसरी बात, जिस तरह का भ्रष्टाचार है विधायकों का, मैं प्रदीप जी बीच में आपको रोक रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू हो गया बीकानेर में, जरा सुनते हैं। बार बार जो विकास से समर्पित लोग हैं उनकी प्रतीक्षा करती है, बुलावा भी भेजती है, और मैं देश की ओर से विकास की नई नई सौगात इस वीर धारा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं। आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में 2-2 आधुनिक 6-लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की, उसके दिल्ली दौसा लालचोट सेक्शन का लोकार्पण किया था, और आज यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ESIC अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में
विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालौर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1,000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहां के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। साथियों, हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे प्रदीप जी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रदीप जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से विकास कार्यों का जिक्र करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए अपने संबोधन में। सवाल यह है, चुनाव व्यवहारिकता से जीतते हैं लोग, यह आप भी जानते हैं, इस लिहाज से क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी फिलहाल फ्रंट फुट पर है, जैसे कि उसकी पूरी इलेक्शन मशीनरी इस वक्त सक्रिय दिख रही है, जबकि कांग्रेस अभी अपना झगड़ा सुलझाने में जुटी हुई है?
देखिए बीजेपी की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जो गलतियां हुई, जो समस्याएं हुई, उनको हल करने की कोशिश हो रही है। राज्यों में संगठन में बदलाव हो रहा है, जिन राज्यों में चुनाव होना है उनके प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है, उसके अलावा कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है। बीजेपी अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगी हुई है। जहां जहां जिन राज्यों में समस्या है संगठन के अंदर, जैसे राजस्थान का भी जिक्र हुआ, तेलंगाना में भी था, तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो सबको साथ लेकर चल सके। अब उसका देखिए नतीजा तो चुनाव का वो मतदाता तय करता है, वो पार्टी का संगठन केवल नहीं तय कर सकता, पार्टी का संगठन उसकी तैयारी करता है, लोगों को मतदान केंद्र तक लाने और अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। आशुतोष जी सवाल देखिए ये भी है, बार बार आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर पार्टी इग्नोर करेगी तो उसका नुकसान हो सकता है, वो एक बड़ा फैक्टर है तमाम चीजें, तो ऐसा हो क्यों रहा है वहां पर? क्या पार्टी नुकसान करना चाहेगी अपना खुद से? नहीं, पार्टी नुकसान करने की बात नहीं है। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा बने हैं, उसके बाद से उनकी लगातार ये कोशिश रही है कि राज्यों के अंदर जो बड़े छत्रप नेता थे, जो अटल आडवाणी के जमाने में बड़े पावरफुल नेता हुआ करते थे, उनको उनकी जगह नई लीडरशिप को वहां पहुंचाया जाए। और इस प्रक्रिया में कहीं कहीं उनको कामयाबी मिली है, कहीं उनको कामयाबी नहीं मिली है। राजस्थान में उनको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली और इसलिए वहां पे वो मसला बार बार आके फंस जाता है। अब ये हर लीडरशिप जो होती है वो अपने हिसाब से अपने नीचे के लीडरशिप को प्रॉप अप करती है, इसमें कुछ भी गलत या अनैतिक नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी नेता है, इसलिए उनको इग्नोर करके वहां भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा वसुंधरा राजे सिंधिया ये तय करेंगी कि दरअसल राजस्थान की लड़ाई जीतेगा कौन। अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी कतई आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर उनको उनको साथ लेकर अगर पार्टी चलेगी, उनको उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चलेगी, अच्छा कैंपेन करेगी, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए वापस आना वहां बहुत संकट का विषय हो सकता है। लेकिन जहां तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात है, पिछली बार भी जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो लोग ये कहते थे उनकी सरकार अच्छी चली, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी हार कांग्रेस पार्टी के वहां पे हुई थी। और मेरा ये साफ तौर मानना है कि जो लोग सचिन पायलट को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं, सचिन पायलट को बहुत ज्यादा क्रेडिट देने के लिए कि इतनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई, वो ओवर एस्टिमेशन है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, मैंने जरूर की उन्होंने, लेकिन उसके पहले ठीक है। लेकिन अभय दुबे जी, अगर आपने भी सुना हो प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन, तो उनका पूरा फोकस विकास पर है, विकास की बार बार बात की जा रही है और आप लोग कह रहे हैं विकास की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी देखिए, भाषणों में विकास की बातें खूब करते हैं, वास्तविकता का धरातल जीरो होता है। हमने बिहार में देख लिया 125,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, हमने कश्मीर में देख लिया 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। आज की सच्चाई ये है कि जो ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर शेखावत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए सुने गए कि सरकार बनाओ तब पैसा दूंगा। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 22-23 में 9,600 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था, अभी 13,500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका की जनता सक्षम है अपने विकास कार्य को करने के लिए। अगर आप सिर्फ सत्ता की भूख के लिए राजनीति राजस्थान के साथ करेंगे तो राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। अरे 13 जिले सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, 13 जिलों के लिए सौगात अशोक गहलोत जी ने दिए, उसमें भी घृणित राजनीति लेकर आए, ये साफ कह दिया। अरे कोई जवाब दीजिए, वो तो यहां तक कह रहा है दुबे जी की घृणित राजनीति हो रही है, रणबांकुरों का प्रदेश है। प्रेम शुक्ला जी, घृणित राजनीति करना ये कांग्रेस का काम रहा है, घृणित राजनीति कांग्रेस करती रही है। 2G 3G जीजा जी भ्रष्टाचार के अलावा इनके अकाउंट में कुछ भी नहीं है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 37 किलोमीटर अगर प्रतिदिन हाईवे का निर्माण हो रहा है और इनके समय में कमलनाथ इनके समय कमलनाथ जो है वो अबे बीच में क्यों करोड़ रुपए बोले दिए, इसमें क्यों बोल रहे हैं अभय जी? उनको बोले नहीं दिए, समय नहीं मेरे पास था क्या? जल्दी से प्रेम शुक्ला, अखिलेश जी मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कंप्लीट कर दीजिए। इनके बीच में बोल रहा था क्या? फिर मैं इनके बीच में लगातार बोलूंगा, फिर मुझे बोलिए सर, समय नहीं है प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात खत्म करिए। ठीक ठीक है, बोलिए। पहले आप भद्रता करते हैं जी,
37 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आज अगर हाईवे बन रहा है, अगर 11.8 करोड़ लोगों को जो है, अरे फिर बकवास कर रही है, अरे अभय जी उनको, फिर उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, मेरे पास समय नहीं है, अगर आप 20 सेकंड में प्रेम शुक्ला जी खत्म करना चाहें तो जल्दी से बोलिए। लोकार्पण हो रहा है, हाईवे का लोकार्पण हो रहा है, और जिस तरह से मकान बन रहा है, जिस तरह से जो है लगातार नदियों को जोड़ने की परियोजना, अब समय नहीं है, आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनता तय करेगी कि उसे किसका विकास कार्य पसंद आ रहा है।